दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आ रही है JSW ग्रुप की तरफ से। गाइस, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया की मल्टीनेशनल। ये जो है मुंबई, मुंबई इसका जो हेड क्वार्टर है। साथ ही गाइस देख सकते हैं, इसके सृजन जिंदल जी ये इसके जो है मेन इसके फाउंडर हैं। साथ ही गाइस बात करें इस वैकेंसी की, तो ये जिंदल ग्रुप, मतलब JSW एक जिंदल ग्रुप जो है, बहुत ही बढ़िया ग्रुप है और अलग अलग क्षेत्र में वर्क करता है, जैसे पावर के क्षेत्र में, साथ ही स्टील क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में, जनरेशन के क्षेत्र में, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये अलग अलग ग्रुप में वर्क करता है। अब गाइस यहाँ पर जिंदल ग्रुप की तरफ से जो वैकेंसी आ रही है, इसके लिए बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अब बात करें गाइस यहाँ पर इसकी अप्लाई लिंक की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही गाइस अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन टेक्निकल है या फिर नॉन टेक्निकल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। गाइस जो आप लोगों की यहाँ पर अप्लाई लिंक जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और साथ ही इसकी जो टेलीग्राम की लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन की गई है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि गाइस वहाँ आप लोगों को ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट और भी मिलती रहती है जो हमारी यूट्यूब से छूट जाती है। क्योंकि गाइस जैसे जो वॉक इन इंटरव्यू होते हैं अर्जेंटली, तो मैं वहाँ पर सेंड कर देती हूँ, तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करके वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी को इस तरीके का टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं और भी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बताऊंगी, तो वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जो वैकेंसी है गाइस, बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आ रही है, तो यहाँ आप लोग को सर्च करना है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, और साथ ही आप लोग डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग यहाँ पर सर्च करेंगे तो इसी तरीके से वैकेंसी आ जाएंगी। ये 17 अक्टूबर को पोस्ट आउट की गई हैं सभी वैकेंसीज, देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर प्लानिंग में आप लोग की JSW की प्लानिंग दिया गया है, इंजीनियर की है, ये सभी ऑलमोस्ट इंजीनियर की दी गई है, असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियर, इसीलिए मैंने ये आप लोग को डायरेक्ट सर्च कर लिया, जिससे कि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर देखेंगे इसी तरीके से, देखिए यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, स्टाफ आप लोग का रहेगा, और ये एक्सपीरियंस वालों के लिए मेल में आप लोग का वैकेंसी दिया गया है। अब गाइस ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट वैकेंसी देखेंगे तो और भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट पेज पर आप लोग जाएंगे, मैं आप लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगी, क्योंकि ऐसे ही और भी अपडेट मुझे आप लोगों को देनी है, काफ़ी सारी अपडेट है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इनको चेकआउट करके, और यहाँ आपको GET की पोजीशन देखने के लिए मिल जाएगी, जो हमारी बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है, 0 ईयर एक्सपीरियंस वाले अप्लाई करेंगे, ट्रेनिंग आप लोग का रहेगा गाइस। अब बात कर लेते हैं, मैं नेक्स्ट वैकेंसी की बात करूंगी, तो ये तो सभी आप लोगों की इस तरीके से दिख पा रही है। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं किस डिपार्टमेंट में, कोल मिल में, किस में, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन में देखा, तो ये प्रोडक्शन में आप लोग देख पाएंगे, ये देख सकते हैं प्रोडक्शन की ओपन हो चुकी है। अब गाइस और भी आप लोग को ऐसी इसी तरीके से डिपार्टमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे, बट सिंपली अगर आप डिप्लोमा से, तो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग सर्च करिए, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सभी वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए है, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप लोग को ये वैकेंसी ओपन करनी है, अप्लाई फॉर दिस जॉब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला है जो लिंक्डइन है, दूसरा है गूगल, तीसरा है आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप करके खुद कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका मुझे तो यही लगता है, या तो आप लोग लिंक्डइन की आईडी ओपन कर लीजिए, इसमें लिंक्डइन से हो जाएगा, या फिर आप लोग अपने गूगल की आईडी, तो मैं चलिए गूगल की आईडी से ओपन करके यहाँ पर फॉर्म दिखा देती हूँ, जिससे कि आप लोग पूरा फॉर्म अच्छे से फिलअप कर पाएंगे। तो गाइस जैसे ही आप लोग फॉर्म यहाँ पर ओपन करेंगे तो इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ मैं आपको पूरा अच्छे से बता देती हूँ, जिससे कि आप लोग खुद कर पाएंगे। ये पहला स्टेप है आप लोग का, पहले स्टेप में आप लोग उसे रिज्यूम ऊपर जो अपलोड करा रहा है यहाँ टिक पे कर देंगे, वैसे ही नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो ये दूसरा है बायो, बायो का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अभी ये जो हाईलाइट नहीं है, लेकिन जैसे ही आप लोग रिज्यूम अपलोड करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को अपना नाम वगैरह फिलअप करना है, देन फिर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, नेक्स्ट करेंगे तो
कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट में आप लोग को अपना कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह डालना है। थर्ड में मतलब फोर्थ नंबर में आपको एड्रेस डालना है। फिफ्थ में आपको वर्क एक्सपीरियंस, अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो एनए डालेंगे, और साथ ही फ्रेशर सेलेक्ट करेंगे। एजुकेशन है आपका जो लास्ट स्टेप। उसके बाद है पर्सनल डॉक्यूमेंट। पर्सनल डॉक्यूमेंट में आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पहचान मतलब पहचान पत्र इसकी जगह पे, या फिर ड्राइवरी लाइसेंस, जो आप लोग की नेशनलिटी की जगह पे आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हैं वो सेंड करेंगे, और उसका पीडीएफ फॉर्म का साइज़ थोड़ा कम कर लीजिए। इस तरीके से आप लोग को पूरा सबमिट करना है फॉर्म। और उसके बाद जब आप लोग का ये हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। ये वैकेंसी के लिए सारे सभी के लिए ऐसे ही करना है। तो गाइस देखेंगे ये भी JSW ग्रुप की तरफ से आ रही है। यहाँ पर भी आप सभी की JSW फाउंडर जो आपका ग्रुप रहने वाला है, 0-2 ईयर एक्सपीरियंस है। मुंबई के ऑल एरियाज में ये वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर आप लोग मेन मेन चीज़ें देखेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अच्छे से चेकआउट कर लीजिए। और आप लोगों के यहाँ पर टेम्पररी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आपका जॉब रहने वाला है, फुल टाइम रहेगा बट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहने वाला है। ओनली ऑन डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले। तो आप लोगों ने सिविल से किया है, इलेक्ट्रिकल से किया है, मैकेनिकल से किया है, CS ब्रांच से किया है, IT से किया है, जिस भी ब्रांच से किया है आप सभी एलिजिबल हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोग को यहाँ से जाकर अप्लाई करना है। साथ ही मैंने अभी आपको अप्लाई करने के लिए लिंक दी थी, जो अप्लाई करने वाला बताया था फॉर्म पूरा फिलअप करके, उस फिलअप फॉर्म से भी जाकर अप्लाई करेंगे। ये तो है आप लोग की ये वैकेंसी। अब चलिए मैं नेक्स्ट और बता देती हूँ। तो गाइस ये वैकेंसी देखेंगे इंजीनियर वालों के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर, कोल माइंस में है। यहाँ पर 4 से 6 साल तक का एक्सपीरियंस रखा गया है, और साथ ही यहाँ पर 100 मतलब वैकेंसी निकाली गई है। हाईलाइट में आप लोग सारी चीज़ें एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। मैं आप लोग को मेन मेन चीज़ पर डिस्कस करूँगी, और आपका जैसे एक्सपीरियंस वगैरह है तो किस क्षेत्र में होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह क्या रहेंगी, ये सभी आप लोग की यहाँ पर दी गई है बहुत ही अच्छे रूप में। और आपका डिज़ायरेबल में अगर बीटेक मैकेनिकल में किया है, माइनिंग किया है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, तो आप लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। डेस्कटॉप लैपटॉप ETC आप लोगों के पास होना चाहिए थोड़ा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगा। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इसमें जो है आई रहेगा, और जो डिपार्टमेंट है BE BTech मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही डिप्लोमा मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ डिप्लोमा और BE BTech दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अप्लाई करने के लिए ये लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो गाइस ये नेक्स्ट वैकेंसी दी गई है प्रोजेक्ट रिलेशनशिप ऑफिसर की है, पुणे महाराष्ट्र में। 0-1 ईयर एक्सपीरियंस रहेगा, 5.5 लाख तक आपका सैलरी पैकेज रहेगा। पुणे में वैकेंसी है, और यहाँ आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे चैनल सेल, डिस्ट्रीब्यूशन सेल, और बिल्डिंग आर्किटेक्चर टारगेट, इस तरीके का रहेगा। फुल टाइम परमानेंट आपका रहेगा। BE BTech एनी स्पेशलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ओनली BE BTech वाले ही अप्लाई करेंगे, डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है इस वैकेंसी के लिए। अप्लाई करने के लिए ये लिंक यहाँ से जाकर अप्लाई करना है। तो गाइज ये सबसे लास्ट वैकेंसी दी गई है आप सभी के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप की, गोवा की तरफ से आ रही है। अगर आप जो हमारे स्टूडेंट गोवा में जॉब करना चाहते हैं या फिर गोवा के, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों की परमानेंट फुल टाइम जॉब रहेगी। साथ ही गाइज BE BTech एनी स्पेशलाइजेशन मतलब सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और यहाँ पर आपका जो अदर ब्रांच होती है वो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो सभी वैकेंसी निकाली गई हैं, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों वालों के लिए निकाली, तो आप जो भी हैं अप्लाई जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों आप लोग यहाँ अप्लाई करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।